मैं आपको सपने का इलाका दिखा रहा हूँ। ज्यादातर यहाँ पर लकड़ी के मकान होते हैं, तो देखें और हम दिखाने की भरपूर कैसे सीधे साधे लोग, जमीन तबका के लोग ज्यादा से देखें लकड़ी की सीढ़ी, जिस तरीके से आज भी 21वीं सेंचुरी में ये लोग जो है अपनी जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ देखें हम लकड़ी का मकान दिखा सकते हैं, कितना खूबसूरत। और हमने सोचा यहाँ पर भी हम एक थोड़ी सी हल्की सी एक वीडियो बनाएंगे ताकि दिखाएं कि यहाँ के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये यहाँ का इनका महल है, इसी का नाम तो महल है। हाँ देखें कितना खूबसूरत इन्होंने ये जो कितनी मेहनत से लगाया। हम इनको जब अपना मकान बनाते हैं शहरों में तो हम ये लगाते हैं, लेकिन आज देहातों में भी ये पहुंच चुका है, क्योंकि अब देहात के लोग भी इस चीज़ को फरफर करते हैं, क्योंकि लकड़ी जो है नायाब हो चुकी है और लकड़ी के ज़्यादातर मकान होते थे इन इलाकों में, लेकिन आज लोग अपनी मेहनत करके ज़मींदार जो हैं लोग रहते ही इस इलाके में, इस मेहनत कश लोग जो हैं वो किस तरीके से यहाँ जो ज़िंदगी बसर करते हैं तो दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मैं अपने दोस्त अमीन साहब हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा साथ दिया हमें, तो देखें भरपूर कोशिश करेंगे हम, ये अंदर का हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखें कालीन, कश्मीरी में इसको ज़्यादातर बिछाया जाता है, कश्मीर के कारीगर इसको तैयार करते हैं। और सपने का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे इस कालीन को एक घर में बिछाया गया, हर घर में मेहमान नवाजी होती है। सबसे पहले यहाँ के लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो मेहमान नवाज के तौर पर मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, उनको यहाँ पे किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। तो देखें हम इस घर को महल का घर कहते हैं, क्योंकि आखिर कार हमने उस दो गज ज़मीन पे जाना है, लेकिन आज भी ये दिल जो है इनके हैं वसी हैं, खुश हैं, और इसी में लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो आए दिखाएंगे देसी वैरायटी, हम क्या पिएंगे, हम क्या खाएंगे, हम चाय के साथ क्या होगा, देखते रहे अगली वीडियो में।